आया है और ये मेमोरेंडम है हम लोग ने श्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम उसके लिए है ये मेमोरेंडम, तो आपके थ्रू से हम लोग दे रहे हैं ये। और ये हम लोग का कमिटी के तरफ से है, शिक्षक प्रोटेक्शन कमिटी, लेकिन आज यहाँ में भाईबोंग ब्लॉक में जितना सारा लोग है वो लोग आया है क्योंकि ये बहुत हम लोग का अर्जेंट इशू है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता है कि ये कॉपी को आप मतलब चीफ मिनिस्टर के मतलब हाथों पहुँचा देने के लिए। और साथ में हम लोग यहाँ में कॉपी टू गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर हिज एक्सेलेंसी, उसके बाद में ऑनरेबल हिल्स एरिया डेवलपमेंट एचएडी मिनिस्टर को, फिर ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग का लोकल एमएलए श्रीमती नंदिता बोरलोसा, उसके बाद ऑनरेबल सीईएम एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर हकम हिमा हसाव, सबको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको हम ये हैंड ओवर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एस डी ओ सिविल। और इन शॉर्ट आपको थोड़ा पढ़ा के हम सुना देगा कंटेंट क्या है। तो हम लोग का जो ये मांग है यहाँ जो हम लोग का डिमांड है, हम लोग का जो डिमांड है मेन डिमांड तीन है। एक नंबर हो गया विड्रॉवल ऑफ ऑर्डर नंबर DH/RD/MNG and REGA/GPDR 1183/2019-20/64 dated 25/9/2019। सो ये ऑर्डर में एक्चुअली किया हुआ था DRDA PD के तरफ से 2019 सितंबर में गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो एक पंचायती राज का फीचर है, उसको यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्डर दिया था। और इसका NOC हम लोग को ऑटोनोमस काउंसिल के तरफ से भी दे दिया, मतलब CM का तरफ से, काउंसिल के तरफ से ये दे दिया। तो ये गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या है, ये बेसिकली एक पंचायती राज का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तरफ से गांव गांव लेवल में ग्राम सभा बनाता है, गांव पंचायत बनाता है, और उसका तरफ से जो एनुअल मतलब वो लोग प्लानिंग करता है, वो प्लान में फंड कैसे एलोकेट होगा ये सब प्लान बना के पंचायत मिनिस्ट्री और पंचायत में ये सब डेटा भेजता है, और उसके ज़रिए से बाद में फंडिंग होता है। तो ये सिस्टम हम लोग का यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में कभी पहले लागू नहीं था। क्यों लागू नहीं था, क्योंकि ये जो है ये तो GPDP तो पंचायती राज का सिस्टम हो गया, और पंचायती राज सिस्टम हम लोग को सिक्स शेड्यूल में लागू नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 243M में लिखा है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है वो सिक्स शेड्यूल एरियाज में अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ में तो काउंसिल है, और जो भी काम होता है, जो एनुअल फंडिंग का जो प्लानिंग होता है, अलग डिपार्टमेंट से जो फंडिंग आता है, वो सेंट्रल का भी होने दो, वो स्टेट का भी होने दो, वो काउंसिल में हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, कॉन्सर्न डिपार्टमेंट है, जो हम लोग का कॉन्सर्न डिपार्टमेंट है उसका जरिए से होता है। तो ये जो ऑर्डर है इसको हम लोग ने विड्रॉ करने के लिए मांग किया है, एक नंबर। दो नंबर हो गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑर्डर इन केस नंबर PIU/13/2019। तो ये जो ऑर्डर है गुवाहाटी हाई कोर्ट से निकाला था 23 मई 2022 को। यहाँ ऑर्डर में लिखा है कि हम लोग का जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसका अपना पावर है खुद का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो मतलब इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो प्रक्रिया है, मतलब उसमें जैसे कि इलेक्ट्रोल रोल बनता है, इलेक्शन रूल्स फ्रेम होता है, तो ये सब चीज़ मतलब काउंसिल को कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हम लोग ने ये इसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और बिकॉज ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये लास्ट जो इलेक्शन हुआ जनवरी को वो आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया। आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये फॉर्म हुआ था अंडर द आसाम पंचायत एक्ट, और ये आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है टू कंडक्ट पंचायत का इलेक्शन और म्यूनिसिपलिटी का इलेक्शन। तो आप समझिए जो कमीशन पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के लिए बनाया वो अगर काउंसिल को कंडक्ट करेगा तो वहाँ में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मतलब ये जो रूल्स हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए ये इलेक्शन इनफैक्ट इलीगल हो जाता है। इसलिए जल्द से जल्द ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ऑर्डर को मान के हम लोग उनका काउंसिल अभी से खुद का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए
ये हम लोग ने मांग किया है। तीन नंबर हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सिख शेड्यूल ऑटोनॉमी अगेंस्ट द 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019। ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो करेंटली अभी लोकसभा और राज्यसभा में प्लेस होके है, तो इसलिए ये बिल को हम लोग ने अपोज किया है, क्योंकि यहाँ में जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है वो सिख शेड्यूल को अमेंड करने के लिए है, और वहाँ में अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएगा, इन शॉर्ट में बोल देगा, वहाँ जो जो अमेंड्स हो रहा है वहाँ में क्लियरली लिखा है कि सिख शेड्यूल एरिया में पंचायती राज का फीचर डालने के लिए अमेंडमेंट कर रहा है, जो हम लोग अपोज करता है, और इसमें हम लोग का जो ऑटोनॉमी है वो मतलब उसमें कम हो जाता है। डिटेल्स में हम एक्सप्लेन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ में मेमोरेंडम में हम लोग ने डिटेल्स में लिख दिया है यहाँ में। तो ये सब चीज़ जो है ये ऑलरेडी हम लोग ने 30th मार्च को एक मेमोरेंडम दिया था टू द काउंसिल, वो भी हम लोग ने यहाँ अटैच करके दिया है। तो क्योंकि तब से लेके अभी तक हम लोग को इसको लेके कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए आज हम लोग ने ये बेसिकली एक रिजॉइंडर है वो मेमोरेंडम का, ये रिजॉइंडर इसलिए हम लोग हायर अथॉरिटीज़ को अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज अभी तक इसमें कुछ हम लोग का रेस्पॉन्स नहीं मिला है, और पब्लिक आज यहाँ में आने लगा है। तो आपके ज़रिए से ये माध्यम से हम ये भी पहुंचाना चाहता है कि अभी का टाइम में देखो इतना तकलीफ करके आदमी लोग क्यों निकला अपना काम छोड़ के इतना गर्मी वेदर में, हाँ, क्योंकि ये हम लोग का एकदम अर्जेंट इशू है, ये हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोग अभी सड़क में निकलने लगा है, इसलिए अथॉरिटीज़ को भी इमिडिएटली इसको मतलब एड्रेस करना है, और जल्द से जल्द सब स्टेक होल्डर्स को बुला के एक अंडरस्टैंडिंग में इसका सॉल्यूशन तुरंत निकालना है, नहीं तो अभी देखो शांति का माहौल है सब जगह में, सो अगर दिल में नाराज़गी होगा तो आदमी लोग का दुख होगा, तो शांति भंग होने का चांसेस होता है, क्योंकि आप मालूम है, क्योंकि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में पहले में ऐसा बहुत हिस्ट्री होके आया है जब अशांति था, अशांति कोई नहीं चाहता है ना, ये भी एक रैली करना भी तो हम लोग नहीं चाहता था, ये भी एक तो अशांति है ना, सबके लिए भी एक तो तकलीफ होता है, लेकिन उपाय नहीं हम लोग को करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन को जो ये स्टेप्स लेना था अभी नहीं ले रहा है बोल के, तो इसलिए ये हम लोग का डिमांड है, आप लोग को इसको थोड़ा अर्जेंटली आप जब चीफ मिनिस्टर को भेजने में भी ऐसा नॉर्मली मत भेजो, कुछ एक आप लोग का अपना जरिया है इसको अर्जेंट बनाने के लिए, तो एक अर्जेंट करके इसको बनाओ, सो दैट चीफ मिनिस्टर भी अपना बिजी टाइम निकाल के इसको अर्जेंट एक मैटर लेके ट्रीट करेगा, आप लोग को तरफ से भी अभी जाएगा, तो वही हम लोग का रिक्वेस्ट है। और एक एक चीज़ हम आपको पूछना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो सब पब्लिक भी है यहाँ में, प्रशासन का कोई कोई लोग बोलता है, आप लोग को नहीं बोला, बाकी कोई कोई लोग है जो मतलब एक ऐसा मिसलीड करना चाहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पंचायती सिस्टम नहीं हुआ इधर में, तो आप क्योंकि माईबंग का है यहाँ में कितना महीना से काम कर रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन में क्या है हम पूछना चाहता है, लास्ट ईयर में भी एक यहाँ में एक बिल्डिंग का इनोग्रेशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बोल के, वहाँ में शायद रंजीत कुमार दास भी आया था जो PNRD का मिनिस्टर है, आप बता सकता है वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर का पर्पस क्या है, वो बिल्डिंग का, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है लेकिन वो क्या कल वो बनाया है, वो उसका पर्पस क्या है, ठीक है, आप लोगों का मैंने मेमोरेंडम ये ग्रहण किया है, अब बाकी मैं बताऊंगा इसको, जो प्रोटेक्शन है इसे भेजना है, क्या करना है वो हम इसको कवर करके इसको हम भेजेंगे, हम भी आशा करते हैं कि आप लोग का जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स है उसके मुताबिक अगर हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, वही हम करेंगे, बाकी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है वो फॉलो करना सबको चाहिए, हाँ, अगर उसी हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो ये आप जो मेमोरेंडम कर रहे हैं ये जो प्रॉपर चैनल प्रो प्रॉपर चैनल विल सेंड दिस टू द कंसर्न आप लोग जहाँ पे अथॉरिटी, तो ये इशू हम अभी रिकवर किया है, हम लोग इसको भेज देंगे, और बाकी आप जो हमको पूछ रहे हैं एक्चुअली मैं इधर ज्वाइन किया, मेरा ज्वाइन हुआ 2 महीने भी नहीं हुआ है, अभी भी मैं जगह का नाम भी मुझे अच्छे से याद नहीं जानता, मतलब आसपास का जगह का नाम भी मेरे को अभी हुआ नहीं है, ज्वाइन करके ही इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व हो गया, अभी आप जो पूछा है मेरे को मैं अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं इंक्वायरी करके आपको जरूर इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ ज्वाइन करने वाला तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, आपका नौकरी करने वाला कितना साल हो गया, 3 साल हो गया, तो आप इस जगह का मतलब बात ये है कि काउंसिल ठीक है, काउंसिल के बारे में थोड़ा मतलब शेड्यूल में मेरा
मतलब ये फर्स्ट टाइम है और सिक्स शेड्यूल का प्लेन से थोड़ा अलग है। ठीक है, वो हम समझ गया, वो हम नहीं पूछ रहा है। हम आपको पूछ रहा है कि 3 साल तो नौकरी है ना आपका, तो पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर तो आपको मालूम होगा, पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, ये यहाँ का बात नहीं है, पूरा आसाम में है, सब जगह में ये सेंटर खोलता है, पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, वो सेंटर क्या कर ले, उसका पर्पस क्या है? देखिए पीएनआरडी का कुछ अलग का होगा तो वो हमको मालूम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पीएनआरडी डिपार्टमेंट का कुछ, अगर वो ठीक है आपका इन्फॉर्मेशन में नहीं है, बस ठीक है, पीएनआरडी का डिपार्टमेंट का है ना, अगर हमारे तो अगर वो कुछ होता तो हम आपको बता सकते। नहीं नहीं आप अगर फिर भी आप, आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मुझे आप टाइम दे तो मैं वो आप डेफिनेटली इंक्वायरी करो, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ में क्या है, पीएनआरडी का मिनिस्टर आके हम लोग का एमएलए भी था, वो लोग था, इनॉग्रेशन करके गया, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बोला। हाँ, तो क्या है कि आप खबर कीजिए अगर आपका नॉलेज में नहीं है, पूरा आसाम में डिस्ट्रिक्ट्स में पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बोल के बिल्डिंग बनाता है, उसका उसका काम क्या होता है कि पंचायत को रिलेटेड पंचायत ऑफिशियल्स और पंचायत को लेके, पंचायती राज का लेके जितना काम है उसका ट्रेनिंग होता है उधर में, वो काम उधर से चलता है, हाँ रिसोर्स पर्सन का ट्रेनिंग ऐसा करके, ठीक है, वही चीज़ को लेके हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर खोला। यहाँ मैंने किया है कि पंचायत नाम तो नहीं डाला, क्योंकि यहाँ में लोग पंचायत नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग का जो बात हो गया पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर ही पंचायत को काम से लेके बनाया है, तो आप अगर खाली नाम भी हटाएगा पंचायत, तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, लेकिन क्या रिसोर्स पर्सन, बिकॉज ये पंचायत रिसोर्स पर्सन का ट्रेनिंग करने के लिए ये है सेंटर, तो आप ये काइंडली खबर कीजिए, क्योंकि हमारे नज़र से जो है ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर का यहाँ में एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये पंचायत को लेके ट्रेनिंग करने के लिए ये हाँ तो यहाँ क्या बात से बनाया है और यहाँ में क्या काम चल रहा है और क्या काम करने के लिए ये बनाया है, वो आप काइंडली खबर कीजिए। अगर यहाँ में पंचायती का ये काम करने के लिए ये बनाया है तो ये तो हमको एरिया में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो।